Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 4. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में. उसका फर्स्ट अडेप्टेशन हमने पढ़ा था कि उनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गेन होता है, ताकि वो सेंस कर सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं. सेकेंड हम लोग का था मोस्ट ऑफ देम हैव फोर लेग्स विच हेल्प देम टू वॉक, जंप एंड मूव ऑन लैंड. यानी कि इन टेरेस्ट्रियल एनिमल में से ज़्यादातर के पास क्या होता है, फोर लेग्स. ज़्यादातर के पास, सबके पास नहीं, ठीक है, क्या करता है, चलने में, जंप करने में और फिर मूव करने में, इधर उधर घूमने में मदद करता है, या फिर हंट यानी शिकार करने में, तो शिकार करने में या फिर खुद को बचाने के लिए या खुद की रक्षा करने में मदद करता है, ठीक है, डिफेंड यानी रक्षा करना. एक्सेप्शन लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. एक्सेप्शन यानी सबसे अलग. अलग क्या है इसमें, स्नेक्स. स्नेक्स कहाँ रहता है, ज़मीन पर रहता है. ज़्यादातर स्नेक्स कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर, लेकिन उनके पास क्या है, लेग्स नहीं है. इसमें क्या लिखा है, जबकि सबके पास क्या होगा, लेग्स होगा, एटलीस्ट कितना, फोर लेग्स होगा या उससे कम भी हो सकता है. जैसे हम लोग भी ये ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन हम लोग के पास क्या है, टू लेग्स है, ठीक है. दे पोसेसेस, पोसेसेस मतलब होना, ठीक है, स्केल्स एंड प्लेट्स. ये आपने देखा होगा मछली के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है, ये क्या है, स्केल्स. और स्नेक के ऊपर भी कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है, ये क्या होता है, प्लेट्स. ये इसको चलने में मदद करता है, विच एनेबल देम टू क्रॉल. क्रॉल मतलब क्या होता है, रेंगना, ठीक है, रेंगने में मदद करता है. दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करता है. क्या लंग्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास क्या होता है, लंग्स. एनिमल लिविंग इन डिजर्ट हैव ए थिक स्किन. जो डिजर्ट में रहता है एनिमल, उसके पास क्या होता है, काफ़ी मोटा स्किन होता है. क्यों होता है, ताकि विथ वेरी लिटिल हेयर ऑन इट. उसके ऊपर क्या है, थिक स्किन के ऊपर बहुत कम हेयर होता है और छोटा छोटा हेयर होता है, ठीक है. क्या करता है, क्या काम है इस स्किन का, इतना मोटा स्किन का. देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग हीट ऑफ द सन. मतलब आप जानते हो कि डिजर्ट में कितना गर्मी होता है, रेगिस्तान में कितना गर्मी होता है, तो उस गर्मी से बचाता है ताकि स्किन जल ना जाए. स्किन पतला होगा तो क्या होगा, तुरंत जल जाएगा. तो मोटा स्किन होता है जिससे जलने से बचाता है. सम ऑफ दीज एनिमल्स लाइक कैमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर वाटर. कुछ एनिमल के पास, जैसे क्या एग्जाम्पल, कैमल, उसके पास क्या होता है, ऑर्गन यानी अंग, स्पेशल ऑर्गन होता है जिसमें क्या करता है, वो पानी को जमा करके रख सकता है, स्टोर वाटर. बिकॉज वाटर इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल इन डिजर्ट. यानी कि अवेलेबल मतलब मिलना, क्योंकि आप जानते हो रेगिस्तान में पानी आसानी से नहीं मिलता, तो इसलिए क्या उसको जब कहीं भी मिलता है तो ज़्यादा पानी पी लेता है और उसको किसी जगह इकट्ठा कर लेता है, किसी जगह कहाँ, स्टोमक में. एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन, रीजन मतलब एरिया, ठीक है. एनिमल लिविंग इन कोल्ड रीजन्स यानी वैसा जगह जहाँ पे एनिमल ठंडी जगह पे रह रहा है. जैसे कि एनिमल का एग्जांपल क्या हुआ, याक हो गया या पोलर बियर हो गया, उनके पास क्या होता है, थिक स्किन. यहाँ भी है, यहाँ डेजर्ट में क्या था, थिक स्किन, यहाँ भी क्या है, थिक स्किन. यहाँ किससे प्रोटेक्ट कर रहा था, हीट से. यहाँ किससे प्रोटेक्ट करेगा, कोल्ड से. विथ फर, फर मतलब हेयर्स, बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फर. ऑन इट टू कीप देम वार्म, वार्म मतलब गर्म रखने के लिए. Some of them like penguins and seals have a thick layer of fat under the skin called blubbers. कुछ एनिमल जैसे कि पेंगुइन हो गया या सील हो गया, इनके बॉडी के ऊपर हेयर तो नहीं होते, लेकिन स्किन के नीचे फैट यानी चर्बी का लेयर होता है काफ़ी मोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं, जो उसकी स्किन के नीचे रहता है. क्यों रहता है, ताकि उसको ठंडी से प्रोटेक्ट कर सके. फैट क्या करता है, ठंडी से बचाता है और गर्म रखता है बॉडी को. दिस हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म, जैसा कि मैंने बोला, एंड इज यूज एज फूड इन विंटर. और ये फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, मतलब जो फैट है, अगर उसको विंटर में क्या होता है, जल्दी खाना नहीं मिलता, तो खाना खाता नहीं है, तो उसको एनर्जी कैसे मिलेगा, तो ये फैट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जब खाना नहीं भी मिलता. जैसे एग्जाम्पल में हो गया, जैसे आप लोग के घर में देखा होगा, जब बड़े लोग फास्टिंग करते हैं तो एक दिन खाना नहीं खाते, ऐसा तो नहीं होता कि उनको कुछ हो जाता है, नॉर्मली रहते हैं. तो क्या ऐसा चीज़ है जो हेल्प कर रहा होता है फास्टिंग में भी, ये फैट.
फैट क्या होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है ताकि आप बिना खाना खाए भी कुछ टाइम तक जिंदा रह सको। एनिमल्स लाइक बियर्स एंड फ्रॉग्स बिकम इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब सुस्त पड़ जाना या सो जाना, ठीक है, तो चलता फिरता नहीं है, एक ही जगह रहेगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, बियर या फिर फ्रॉग बिकम इनएक्टिव एंड स्लीप सेवरल मंथ, कुछ महीने तक क्या होता है, सो जाता है इन कोल्ड कंडीशन। क्या, जब ठंडी आने पे, किस लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चलेगा फिरेगा तो एनर्जी खर्च होगा ना, एनर्जी खर्च होगा और खाना तो मिलता नहीं है तो, और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे बेटर क्या है कि वो कुछ मंथ तक सो जाता है। तो ये जो स्लीप है, यानी ये जो सोता है इतने मंथ तक, उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। इस हाइबरनेशन का दूसरा नाम क्या है, विंटर स्लीप, क्योंकि पूरा सर्दी भर ये सोता रहता है, जितने मंथ भी आपका ठंडी पड़ेगी उतने मंथ तक ये सोता रहता है। कौन कौन एनिमल्स, बियर एंड फ्रॉग। यहाँ आप देखिए, स्नेक हैज स्केल्स विथ हेल्प इट टू क्रॉल। इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक डिजाइन बना होता है, एक पैटर्न होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं या प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। कैमल का क्या होता है, स्टोर फैट इन इट्स हम्प। यहाँ हम्प दिख रहा है ये आपको, ये वाला पार्ट, या फिर यहाँ पे होता है किसी किसी ऊंट का, या फिर यहाँ पे, ये क्या होता है, हम्प, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैट स्टोर करके रखता है। अभी मैंने बताया फैट क्या काम करता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा होता है, जब पेड़ पौधा नहीं है तो खाएगा क्या, तो जहाँ कहीं भी आपको पेड़ पौधा मिलता है, इसको ये क्या करता है, खाता है और उसको फैट के तौर पर जमा करके रख लेता है, कहाँ पे, हम्प में, ठीक है। टू सर्वाइव स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर। स्कार्सिटी यानी कमी, ठीक है, किसके कमी से बचने के लिए, फूड और वाटर की कमी, किससे, कमी होने के बावजूद ये क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसने फूड और वाटर कहाँ जमा किया है, हम्प में। ए पोलर बियर हैज अ थिक स्किन विथ फर ऑन इट। इसके पास क्या होता है, मोटा स्किन होता है, ये देखो ये फर जो हेयर्स है इसका, ये क्या है, फर, ऑन इट टू कीप इट वार्म, ये क्या करता है, हमें गर्म रखता है पोलर बियर को। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक एनिमल्स। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा एक्वेटिक एनिमल्स क्या, वैसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर डैट एनिमल्स डैट लिव इन वाटर। जैसे एग्जाम्पल क्या है, फिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस आर सम एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। दे हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशन, ठीक है, उनके पास ये अडेप्टेशन होता है जो नीचे लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स। लिम्स का मतलब होता है आउट ग्रोथ, या हाथ या पैर हो गया, लेकिन उसके एक्वेटिक एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता, जनरली क्या होता है, फिन्स होते हैं। फिन्स आपको पता है, ये और ये वाला पार्ट है ना, टू हेल्प देम टू स्विम, ये क्या करता है, तैरने में मदद करता है। एक्वेटिक बर्ड यानी वैसे बर्ड जो पानी में रहती है, जैसे क्या, एग्जाम्पल डक या गीज हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट पता है आपको, फीट ऐसा होता है उन लोग का, लेकिन इसके बीच में झिल्ली होता है, आपने देखा होगा डक में, डक के केस में ये क्या होता है, झिल्ली होता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट, ठीक है। विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग, ये क्या करता है, पानी को पीछे ढकेलने में हेल्प करता है, पानी पीछे जाएगा तभी तो वो डक आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्विम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स। इनमें से ज़्यादातर क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स से सांस लेते हैं, एक्सेप्शन क्या है, वेल्स, ठीक है, वेल्स जो किससे सांस लेती है, लंग्स से, क्योंकि वेल क्या है, मैमल है, ठीक है, वेल क्या है, मैमल, ये फिश नहीं है, ये मैमल है, ठीक है। तो एक्सेप्शन यानी कि इसमें जो एक्सेप्शन का मतलब होता है, जो नॉर्मल सब जैसा बिहेव कर रहा है वैसा ये बिहेव नहीं कर रहा, तो नॉर्मल सब कैसा बिहेव कर रहा है, सब गिल्स है, मछली के पास गिल्स होता है, लेकिन ये क्या है, मैमल है, इसलिए क्या, किससे सांस ले रही है, लंग्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैमल्स के पास, मैमल्स किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। सम ऑफ देम हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर, ये पहले भी आया था, थिक लेयर ऑफ फैट को क्या बोल रहे थे, ब्लबर, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, टू कीप देम वार्म, गर्म रखने के लिए, एंड हेल्प देम टू फ्लोट, और तैरने में भी ये मदद करेगा, क्या, ब्लबर, ठीक है।
इतना आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट वीडियो से एम्फीबियन से स्टार्ट होगा।